हेलो रिवान, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मिड टर्म जीडीपी फोरकास्टिंग की, जिसको फोरकास्ट किया है फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं फिच कौन है और ये जीडीपी के बारे में, दो हमारे इकोनॉमिकल टर्म्स हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। तो फिच देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो क्रेडिट स्कोर एक्सप्लेन करती है या जो भी जीडीपी होता है वो बताती है, ठीक है। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के चाहे प्राइवेट, उनकी रेटिंग बताती है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा पॉइंट हो गया। और जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं। जीडीपी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस का वर्ड समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जितना भी हम साल भर में प्रोडक्शन करते हैं गुड और सर्विसेज का, उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विद इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब यही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया 6.2 है इस बार की मिड टर्म की, राइट। तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एसबीआई और आईबीपीएस पीयू का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं? इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन। अब ये हम पता कर लेते हैं भाई, कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन जो है भारत बोटैनिक लगाने वाला है, ठीक है, प्लांट करने वाला है। तो ये कंपनी का नाम क्या है? भारत बोटैनिक है। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट होंगे, उसको हम प्रेस करके हम ऑयल निकालते हैं। ये ऑयल जो होता है नेचुरल होता है, जैसे मान लीजिए ऑलमंड्स होता है, उसको हम प्रेस कर देते हैं तो उससे ऑयल निकलता है, जैसे कोकोनट ऑयल है वो। ये क्या होते हैं? नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कोल्ड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, कौन सी? भारत बोटैनिक। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? हेल्थ बेनिफिट होगा। ये सस्टेनेबल होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? अगर हम इस तरह के ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो सेव रहेंगे, राइट। तो एक तो पॉइंट ये बन गया, और तीसरा हम एक पॉइंट ले लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। देखिए ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी हो गया है। ये हमारा इकोनॉमिकल टर्म था, ये हमारा कॉर्पोरेट का टर्म था, और ये तीनों हो गए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है? फिच क्या है? फिच हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो फिच की जो क्रेडिट रेटिंग पॉइंट क्या थे इंडिया के मिड टर्म में? 6.2, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब ये भी देख लेते हैं इंडिया की लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन कौन है, कंपनी कौन है, ठीक है। तो आपको आंसर लिख के बताना है, ठीक है। और विनर पूछा जाएगा, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का विनर पूछा जाएगा। तो तीन क्वेश्चन इसके सिंपल सिंपल से बन जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।